بسم الله الرحمن الرحيم. सबक नंबर 5। पिछले सबकों में जो मश्क किया है उसे भी लिख लेते हैं। अलिफ बा ता जीम, ये सब मालूम है ना, पीछे मैंने बता दिया पिछले सबकों में अलिफ कहाँ होता है, कैसे होता है, बा के शुरू में कैसा होता है, और ता और अखीर शुरू वाला और अखीर वाला हिस्सा कैसा होता है, ये चोंच कैसे बनती है जीम की, और सर कैसे बनता है यहाँ, ये सब बता दिया। और आधी लकीर से दाल बनाना है लकीर में, और आधी लकीर से रा भी बनाना है। इसी तरह के सीन का, सीन के 3 शोशे होते हैं ये मालूम होना चाहिए, जिसको दंदाने कहते हैं सीन के। तो पहला शोशा दूसरा शोशा लकीर से ऊपर बनेगा और तीसरा शोशा लकीर पर होगा, और पहला शोशा दूसरा शोशे के दरमियान थोड़ा फासला, इसमें ज्यादा फासला। फिर सीधा बनाना है आधी लकीर, तो उसके बाद गोल बनाते हुए लकीर से टच करना है, फिर दाहिने तरफ झुकाव देकर सीधा बनाना है, उसके बाद ये सीधा बनाना है तीसरा आड़ा तीसरा, फिर उसके बाद यह जोड़ नहीं पता चलना चाहिए, इस तरह बनाए और इतना लंबा बनाए कि इसके बीच में एक नून आसानी से आ जाए, ये शीन हो गया। फिर स्वाद बनाना है, ये खड़ा तीछा बनाना है, उसके बाद गोल बनाते हुए स्वाद बनाना है, ये बाकी तरह, फिर आधी लकी तक सीधा बनाना है, फिर उसके बाद गोल बनाना है। ये सब मालूम हो चुका है, पहले मैंने बता दिया है। तो है अब एन की बारी है, एन और फा काफ काफ कैसे बनाना है अभी बता देता हूं। पहले लिख लू, ये एन है, ये फा है, ये इतना आधी तख्ती हो गई। तो ये बता दू कि एन कैसे बनाना है। एन का जो सिर सर है उसको पहले बड़ा बना के दिखा देता हूं। एन का जो सर होता है, जैसे ये गोल बनाना है, ये गोल है, गोल का आधा हिस्सा कट कर देना है, ऐसे गोल इतना, इंग्लिश में सी जो बनाते हैं ऐसा। फिर उसके बाद ये सीधा बनाएंगे, फिर जीम की तरह ये गोल बनाना है, ये आपका एन हो गया। और ऊपर लकीर से टच नहीं करना है, नीचे लकीर पर टच करना है। और उसके बाद फा है, फा कैसे बनाना है, फा का जो सर है ये, इसको कैसे बनाना, देखिए ये सीधा बनाना है और ये खड़ा बनाना है, जितना ये है उतना ये भी रहेगा, ये कोने से लेके ये कोने तक गोल बनाना है, थोड़ा निकाल लेना नोक। फिर उसके बाद ये बा जो है उसको यहाँ बना डालना है, ये आपका हो गया फा। इसी तरह ऊपर वाला फा, ये छोटा वाला जो है, इसी तरह बनाना, ये सीधा बनाना है, ये खड़ा बनाना है, उसके बाद ये गोल बना के थोड़ा निकालें, फिर उसके बाद ता बना डालें, तो ये आपका हो गया फा। और लेकिन इसमें भी कमी है, ये कितना बड़ा बनाना है कि इसमें सुराख, वो बता दूं कि इतना बड़ा बना है कि इसमें बीच में ये सफेदी और सुराख नहीं रहना चाहिए, इतना बना, जैसे ये इतना बड़ा बना है लेकिन अभी भी इसमें सुराख है, इससे छोटा बना है बिल्कुल, अब सुराख नहीं, इतना बड़ा बा फा बनाना है, बिल्कुल ना बड़ा हो कि इसमें सुराख हो रह जाए। अब बाकी रहा काफ, दूसरा सबक है काफ, काफ कैसे बनाना है उसको भी बता दूंगा। ये काफ लंबा वाला काफ, किताबत की दुनिया में 3 काफ होते हैं, एक बड़ा काफ, एक लंबा काफ और एक छोटा काफ। ये बड़ा काफ, ये लंबा काफ और ये छोटा काफ। तो बनाना कैसे है, फा का जो सर बनाया था ऐसे ये खड़ा सीधा तिरछा बनाना है, आड़ा बनाना है यानी लाइन पर, फिर उसके बाद ये खड़ा बनाना है, फिर उसके बाद गोल बनाना है, इसमें बीच में सुराख नहीं रहना चाहिए, आधी लकीर तक सीन की तरह जो बनाया था आधी लकीर तक सीधा होगा यहाँ भी, फिर उसके बाद सीन की तरह गोल बनाएंगे इसको, ये हो गया आपका काफ। और लंबा वाला काफ कैसे बनाना है, पहले अलिफ बना है, यहाँ तो अलिफ लकीर पर है लेकिन लकीर से ऊपर आपको बनाना है, फिर उसके बाद ये बा जो है नीचे बा चिपका देना है, ये आपका लंबा वाला काफ हो गया। ये इसलिए बनाया जाता है, कभी अशार वगैरह सब लिखते वक्त कभी लाइन छोटी बड़ी हो जाती है तो उसको ये काफ कशिश वाला काफ, और सीन हो बा हो तो उसको कशिश के जरिए से लाइन दोनों आमने सामने कर सकते हैं, इसलिए सिखाया जाता है, वरना ये ता, ये छोटा वाला ता, इससे काम चल जाता है, उर्दू वगैरह सब में यही काफी होता है, लेकिन अशार वगैरह सब लाइन पूरी करनी होती है तो उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने सिखाया। ये अलिफ बना है, फिर उसके बाद ये ता जो है उसको इसमें चिपका दें, तो आपका ये छोटा वाला काफ हो गया। और दूसरा क्या सीखना है, ये के अलिफ बनाना है, ये उसके बाद
ये हा बनाना है। इस हा को लटकन हा कहते हैं। लटकन हा दो जग बीच दरमियान में भी आता है। हा तीन तरीके का होता है। नंबर एक गोल हा, जैसे बुह वगैरह सब लिखते हैं ना वो हा, ये वाला। और एक लटकन आता है, जैसे ये यहां लिखते हैं इसको भी लटकन, इसलिए कि ये लटकता है इसके लिए भी लटकन कहते हैं। और कभी ये जो लिखते हैं ये लटक रहा है इसको भी लटकन हा कहते हैं। तो समझ लिए, एक हा लटकन होता है और एक गोल हा होता है, एक दो चश्मी हा होता है, तीन तरीके से हा होता है। तो आज का सबक बस इतना ही है। क्या फा काफ एन फा काफ 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 और ये काफ हा। आइंदा कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।